चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम शंकर जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी सभा में हम सबके बीच में प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में दबे चुले पीड़ित शोषित मजलूम आवाज की बुलंद आवाज भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी, साथ ही साथ आज हम लोकसभा के प्रत्याशी भाई दिनेश लाल यादव जी, जिला अध्यक्ष भाई जयनाथ सिंह जी, भाई आदित्य राय जी, कृष्ण कुमारी विश्वकर्मा जी, चंद्रेश्वर राय जी सहित सभी मंच पर बैठे हुए सम्मान्य नेतागण, आए हुए भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, क्योंकि बहुत ही कम समय है इसलिए मैं पूरा समय माननीय मुख्य अतिथि जी को दूंगा। केवल एक अपील के साथ एक नारा हम आप सब मिलकर लगाएंगे, लहर नहीं लोकार है फिर मोदी सरकार है। ये नारा लड़ना है, लहर नहीं लोकार है फिर मोदी सरकार है, ये नारा लड़ना है बुलंद आवाज के साथ। लहर नहीं लोकार है फिर मोदी सरकार है, लहर नहीं लोकार है फिर मोदी सरकार है। साथियों, चूंकि माननीय मोदी ने पांच शहर में जहां पूर्वजों से विकास की योजना बनाई, वहीं पर गरीबों के घर में चूल्हा गैस शौचालय पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास का पक्का घर भी देने का सिलसिला जारी किया। प्रत्येक गरीब को 5,00,000 रुपए का निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दिया और किसानों के सम्मान में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया। इसलिए गरीबों, मजदूरों, किसानों के सम्मान में आप लोग कमल के फूल के सामने बुलंद बा करके नीलम शंकर जी को सांसद और साथ ही साथ आज अब लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी नहीं हुआ भाई दिनेश लाल यादव जी को बीजेपी में आकर के समाजवादी पार्टी की गुंडा ये बहुजन समाज पार्टी के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के उदारवाद को जमीन पर करने का काम करे। इन्हीं क्षेत्रों के साथ आप सबके आप सबके भाई भारतीय जनता पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के और सभी एनडीए के हमारे साथीगण, दूर दूर से आए हुए भारी संख्या में किसान मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, समय का बिल्कुल अभाव है क्योंकि हम तो वहां पहुंच गए थे ठीक है 11:40 में जो है लेकिन जो है वहां से बनारस से जो है हेलीकॉप्टर में जिसमें आए थे काफी लेट से, कह रहे थे आई फिर तेल वगैरह भराने में 2 घंटा वहीं लेट से चले और 2 जगह प्रोग्राम था और कुशीनगर में और अभी जो है बलिया में यहाँ से आए हैं। हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन जो है नीलम जी जो है बहुत ही
अच्छी पहला है, बहुत ही अच्छा प्रतिनिधि आप लोगों ने चुन करके भेजा है और पार्लियामेंट में तो बोलती ही है, सब लोगों को सम्मान इज्जत करती ही है, बढ़िया खाना भी हम लोगों को खिलाते रहती है। इसलिए जो है मैं खास करके के लिए आया हूँ। और देखिए हमारी लड़ाई जो है कोई जात पात धर्म मधर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो गरीब की लड़ाई है। आज दो तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके सिर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। चले जाइए यही गाँव में, गरीब का बेटा दवा के बगैर मर जाता है, दूध के लिए चिल्लाते रहता है, रात में जब आता है माँ से कहता है कि माँ रोटी दो, माँ के पास में सूखी रोटी नहीं रहती है कि बच्चा वो खाने के लिए सूखी रोटी दे सके। पांच साल छह साल का बच्चा जब भूख से रोने लगता है कहता है कि माँ पेट जल रहा है कुछ तो रोटी दे दो, माँ कहती है बेटा सो जाओ कल सवेरे तुमको रोटी मिलेगा। उसके बाद भी बच्चा जब रोना बंद नहीं करता है तो माँ उसको थप्पड़ मार देती है, बच्चा रोते हुए जाकर के सो जाता है। सवेरे में जब उठता है तो माँ से तितली आवाज में पूछता है कि माँ हमने तो रात में रोटी मांगा था, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? माँ के पास में कोई जवाब नहीं जाता है। हम उस गरीब के आंख के आंसू को पोछने के लिए चले हैं। नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान ने कहा है हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, जहां रोशनी नहीं जली है। भाइयों गरीब का राज हमारा सपना क्या है? सबका विकास, सबका साथ, गरीब का राज। गरीब का राज क्या मतलब होता है? हर व्यक्ति को खाना मिले सस्ते दर पर। हम पिछले पांच साल से 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है 2022 तक कोई गरीब नहीं रहेगा जिसके पास में पक्का मकान नहीं हो जाएगा। हर घर में गैस का चूल्हा गरीब को कह देते कि मिल रहा है, हर घर में शौचालय का व्यवस्था हो गया है, हर घर में बिजली की व्यवस्था हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग के लोग हैं, वो गरीब लोगों के लिए जो है सरकार ने जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5-5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार में दिया है। कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, हार्ट का बीमारी हो, किडनी हो, 5 लाख रुपया आपके नाम से जमा है साल में, आप जाइए लीजिए, 50 करोड़ लोगों के लिए है। और बच्चों का कहना है कि जो है इलाज करवाने का काम कीजिए। दूसरी हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की लड़ाई है। यहाँ लोग हैं नारा लगाते हैं, ये हमारे यहाँ कहते हैं कि जो पूर्वांचल का इलाका है भारी संख्या में कहते हैं कि पासवान भाई हैं, पासी भाई हैं, सोनकर भाई हैं, ये सारे के सारे लोग हैं। यहाँ कुछ लोग दलित के वोट को ठेकेदार बने हुए हैं, जब मौका आएगा तो ऊंची जाति को गाली देंगे, जब मौका निकल जाएगा तो ऊंचे जो दलित को गाली देंगे। नारा लगाते ये है यहाँ बहुजन समाज पार्टी है, इनके साथ में है समाजवादी पार्टी के साथ में। समाजवादी पार्टी कौन है? जिसने आरक्षण का विरोध किया, जिसने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध किया। ये कौन है बहुजन समाज पार्टी की नेता? नारा लगाती थी ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, बकिये सब है डीएस बोर, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। और जब सरकार में चली गई तब नारा लगने लगा हाथी नहीं गणेश है, बरवा विश्व महेश है, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये जो दलित खत्म हुआ था इसके पीछे यही थी। इसने 2007 में जो है कानून बना दिया था, कानून बना दिया था कि कोई कह देते कि जो जांच होगा उसके पहले जो है पहले जांच होना जरूरी है। यदि कोई कहे हमारे साथ में रेप हुआ है महिला तो उसका पहले जो है मेडिकल टेस्ट क्या कहते हैं कि जो होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, बाबा साहब भाई ये जो आरक्षण मिला कब मिला था? आरक्षण मिला था 1932 से, जब महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर में पूना पैक्ट हुआ था। मंडल कमीशन कब लागू हुआ? जब बीपी सिंह की सरकार थी, हम उस सरकार में मंत्री थे, उस समय में किसी का आता पता भी क्या कहते हैं कि नहीं था। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में तस्वीर नहीं था, 14 अप्रैल 90 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगाया, बाबा साहब के जन्म पर छुट्टी की घोषणा किया, उनको भारत रत्न देने का काम किया। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, जहां उन्होंने पैदा लिया था महू में वहां जाकर के उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक बनाया, 26 अलीपुर रोड जहां संविधान लिखे थे वहां जाकर के उन्होंने जो है स्मारक बनाया, जहां उनका दाह संस्कार हुआ था मुंबई में चैत्य भूमि में उसको अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाया,
जहां लंदन में पढ़े थे वहां जाकर के खरीद करके उसको स्मारक बनाया। कैलिफोर्निया अमेरिका में जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे वहां जाकर के बनाने का काम किया। ये बेईमान लोग सब लोगों को ठगने का काम करते हैं। हमने ऊंची जाति के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया। जब दलित को मिलता था तो पिछड़ा को नाराजगी होती थी, पिछड़ा को होता था ऊंची जाति के लोगों को नाराजगी होती थी। ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी जो है 10% आरक्षण देने का जो काम किया। आजादी के 72 साल हो गए, पूछो